एंड देन सडनली जब पूरा बाल सुखाया सब किया सो इट वॉज नॉट गोल्डन और इट वॉज कम्प्लीटली गोल्डन ओनली. And I was like, oh my God, ये क्या हो गया? कभी मैंने जिंदगी में नहीं सोचा कि हेयर कलरिंग में भी इतनी बारीकियां हो सकती हैं. हर चीज में बारीकियां होती हैं. Welcome back once again to Indus Valley Presents Beautiful Naturally with Soumya Tandon. Color me. मैं मिलवाना चाहती हूँ हमारे एपिसोड की ऐसी ही एक एक्ट्रेस से जिनका बड़े ही अलग क्यूट हटके अंदाज है. प्लीज वेलकम द वेरी चार्मिंग एंड क्यूट देवोलीना भट्टाचार्य जी. वेलकम देवोलीना. वेलकम अगेन. नाइस टू मीट यू. प्लीज सिट देवोलीना. हम ना बात कर रहे थे फैशन ट्रेंड्स की और स्टाइल की, और जहाँ भी बात आती है फैशन ट्रेंड्स की और स्टाइल की, बाल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. मतलब आई पर्सनली फील दैट हेयर कैन मेक और ब्रेक अ लुक. यस डेफिनेटली. तो आपने कभी किसी यू नो हेयर ट्रेंड को या फैशन को ऐसा फॉलो किया है या कुछ एक्सपेरिमेंट किया है? फॉलो किया है तो मैं नहीं कह सकती, बट यस बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं मैंने. सो वैसे ही आई टेल यू वन थिंग. एक बार ऐसे ही मेरा कुछ खास एक स्पेशल लाइक इवेंट था यू नो, एंड आई थॉट कि चलो उस इवेंट के लिए मैं थोड़ा यू नो हेयर कलर करवा लेती हूँ अच्छे तरीके से, सो यू नो विल लुक गुड एंड एवरीथिंग. मैं गई, मैंने करवाया एंड कलर हो गया, सब हो गया, धुल गया. आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि वाओ इतना अच्छा लगने वाला है, अभी सब कुछ बहुत अच्छा दिखेगा. एंड देन सडनली जब पूरा बाल सुखाया सब किया सो इट वॉज नॉट गोल्डन और इट वॉज कम्प्लीटली गोल्डन ओनली. एंड आई वॉज लाइक ओ माई गॉड ये क्या हो गया. मतलब ऐसे तो मैं इवेंट तो दूर की बात, मैं घर से भी बाहर नहीं जा सकती. एंड आई वॉज लाइक तभी तो मैं बहुत इरिटेटेड हो गई थी यू नो. घर गई तो मतलब हंसी भी आ रही थी, गुस्सा भी आ रहा था, इरिटेट भी हो रही थी. मतलब खुद समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब मैंने क्या कर दिया. सो ये सारी यू नो अपने एक्सपीरियंस से मैंने दो चीज़ सीखी. एक तो कि हेयर कलर को कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए. मतलब यू हैव टू हैव दैट नॉलेज कि भाई हाँ मुझे पर्टिकुलरली यही कलर चाहिए. एंड सेकेंड, आप एक ही कलर करवा रहे हो और कोई स्पेशल इवेंट है या इम्पोर्टेंट मीटिंग्स है या ऐसा कुछ भी हो, मत करो ट्राई. उसके पहले तो बिल्कुल ट्राई मत करो, जो आप करवाते आ रहे हो वही करो. सो दिस इज व्हाट आई हैव लर्न्ड. इंडस वैली न्यू डैमेज फ्री जेल कलर्स. I just want to have again some rapid fire questions with you. Okay. So ready? Yes. What is your favorite song of all time? बहुत सारे गाने हैं, but still I love you know लता मंगेशकर songs. Because these are such lovely songs. I'll definitely sing. आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे दिल की धड़कन ठहर जा मिल गई मंजिल मुझे आपकी नजरों ने समझा. ब्यूटिफुल. यानी बंगालीज को कहाँ से आती है ये? सबने क्या इंजेक्शन लगा लगा के भगवान ने इसे कैटेगराइज किया था? नहीं, बंगाली को कुछ तो यूएसपी दे के भेजते हैं, सो दे वो गाने का डाल दिया. ऑल सिंग वेरी वेल. थैंक यू. Heels or flats? Heels. Okay. Love marriage or arranged marriage? Love, definitely. Love. Yeah, yeah. Any day. Okay, so this was Devolina for you. Yeah. तो देवोलीना हमारी बातें तो ऐसे चलती ही रहेंगी, कभी बंद ही नहीं होने वाली हैं. बिल्कुल. लेकिन कुछ सीरियस बातें हो जाए, हम बुलाते हैं हमारे एपिसोड की स्पेशल गेस्ट एंड एक्सपर्ट टुडे, डॉक्टर हरिंदर आर्या. शी इज द डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल एंड मॉडर्न कॉस्मेटिक इन इंडिया. वेलकम डॉक्टर. हेलो. हेलो सौम्या. हेलो. हेलो. यू आर लुकिंग लवली. थैंक यू. प्लीज सिट.
डॉक्टर आर्या, हम ऐसे ही गपशप कर रहे थे और देवोलीना ने बताया कि वो हेयर कलर कराने गई और उसने कोई हेयर कलर चूज किया लेकिन वो कलर नहीं हुआ, कुछ अलग ही कलर हो गया। ऐसा क्यों होता है जब हम कलर चूज करते हैं तो वही कलर हमारे बालों पर नहीं आता है? उसके बहुत सारे रीजन होते हैं, क्योंकि आप लोगों ने अपने बालों पे कई बार परमिंग कराई होती है, कभी आप उसको हेयर रिलैक्सर्स यूज करते हो, फिर जब डिफरेंट केमिकल तो डिफरेंट केमिकल से ट्रीटेड बाल हो जाते हैं आप लोगों के, तो उससे क्या है कि जो आप कलर यूज़ कर रहे हो है तो वो केमिकल ही, तो जब वो आप हेयर पे लगाते हो तो वो कुछ और ही कंपाउंड बना देता है, तो इसलिए तभी तो वो स्ट्रैंड टेस्ट लिखा होता है। आपको हमेशा कोई भी हेयर कलर यूज़ करने से पहले स्ट्रैंड टेस्ट करना है ताकि आपका एक्यूरेटली कलर क्या आ रहा है वो सब वो उसी में डिफाइन हो जाएगा। आपको 20 मिनट्स के लिए कलर लगाना है, 30 मिनट्स के लिए लगाना है या 45 मिनट्स के लिए। कई हेयर बहुत स्टबर्न होते हैं जिनमें कलर बहुत मुश्किल से आता है, तो हमें लगता है हमारे बालों पे कलर ही नहीं आया, तो उस केस में थोड़ा वहाँ पर टाइम पीरियड ज़्यादा देना होता है रूट्स के लिए। तो ये सब चीज़ें या तो वो पार्लर में हम जाते हैं तो हेयर ड्रेसर खुद मैनेज करती है, या फिर अगर आप घर पर कर रहे हो तो आपको ऐसा कलर यूज़ करना है कि जो जिसमें अगर आप हेयर स्ट्रैंड टेस्ट कर लोगे पहले तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपका कलर क्या है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा फैक्टर आता है हेयर स्ट्रैंड टेस्ट के लिए कि बहुत एलर्जीज होती है लोगों को हेयर कलर से, राइट और ऐसा नहीं है कि आपने एक हेयर कलर यूज़ करना शुरू कर दिया तो उसको अगर आप एक साल बाद भी आपको उसमें उससे एलर्जी हो सकती है, बेशक आप उसे यूज़ करते हो, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एलर्जी डेवलप हो जाती है कई बार, तो इसके लिए हमेशा कॉन्शियस रहना जरूरी होता है कि आप स्ट्रैंड टेस्ट करें। डॉक्टर, ऐसा भी है होता है क्या कि जैसे हमने बालों में कलर लगाया और अगर उसको 20 मिनट से ज़्यादा 30 मिनट लगा लिया, 30 मिनट से ज़्यादा 40 मिनट लगा लिया, तो क्या ख़राब हो जाते हैं उससे बाल? नहीं, बाल ख़राब होने की वजह वो कलर आपका डीपर हो जाएगा। मतलब अगर आप सपोज़ आप लाइट ब्राउन कलर चाहते हो और आपने लाइट ब्राउन लगाया और आपने अगर स्ट्रैंड टेस्ट नहीं किया, कि मैंने जैसे अभी बताया कि स्टबर्न हेयर्स होते हैं, कई लोगों के बहुत फाइन पोर्स होते हैं, उसमें कलर देर से आता है, तो उस केसेस में आपका कलर मतलब अगर आपने सिर्फ 20 मिनट लगाया तो शायद लाइट ब्राउन से लाइट आ जाए, लेकिन अगर आपने टाइम पीरियड प्रोलॉन्ग कर दिया तो वो डीप कलर में चला जाएगा, मीडियम ब्राउन में चला जाएगा या उससे भी डार्क हो जाएगा, तो टाइम पीरियड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट केस। हाँ, लेकिन ये है हम ऐसे ओवरनाइट या 2-3 घंटे के लिए लगा के नहीं रख सकते। हाँ, उसमें हाँ अगर आप केमिकल, ज़्यादातर जो मार्केट में कलर्स अवेलेबल हैं वो तो केमिकल्स ही हैं, तो उससे बाल डैमेज होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, फिर स्किन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, और जो एक्यूरेटली आपको कलर चाहिए वो मिलेगा ही नहीं, तो फिर तो लगाने का भी कोई फायदा नहीं है। जितने टाइम फ्रेम लिखा हो बॉक्स में वो फॉलो करना चाहिए, थोड़ा फॉलो करना चाहिए, बाकी अपने बालों के हिसाब से कलर करना चाहिए। जी, वो बहुत जरूरी है। जैसे आपके इस प्रोडक्ट में लिखा है डॉक्टर, इट्स डैमेज फ्री, तो ये कैसे पता चलेगा हमें कि कोई प्रोडक्ट डैमेज फ्री है? क्या इसका कोई साइन, मतलब ऐसे तो कोई भी लिख सकता है डैमेज फ्री? ऐसे हर कोई लिख नहीं सकता अगर वो लेबोरेटरी में टेस्टेड नहीं है तो। अच्छा, तो ये कलर तो स्पेसिफिकली इंस्टीट्यूट ने बनाया है, तो उसमें हम पहले इसकी पहली पूरी डैमेज फ्री की स्टडीज़ करते हैं। अच्छा। और हाँ, हम बालों की इलास्टिसिटी पे देखते हैं कि उसका क्या क्या इफ़ेक्ट आ रहा है कलर का, उसके पोरसिटी पे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, उसके मतलब बालों में स्प्लिट एंड्स बढ़ रहे हैं, क्या क्या हो रहा है उस कलर से। तो जब आप ये सारी स्टडीज़ करते हो, मैंने बहुत सारे कलर्स के साथ ये स्टडी करी, कुछ अमोनिया वाले कलर थे, कुछ विदाउट अमोनिया कलर थे, कुछ बेरियम परऑक्साइड वाले कलर थे, तो व्हाट आई फाइंड इज़ कि जो इंडस वैली का ये डैमेज फ्री कलर है, इट्स गिव एब्सोल्युटली नो डैमेज टू द हेयर्स। That's what the result is. So there is a proper certification for it. तभी कोई product ये claim कर सकता है कि वो damage free है। Right. हाँ, उसके बिना नहीं। और ये properly study, और Indus Valley का कोई product ऐसा नहीं आता है जिसमें उसमें studies ना की जाए। जो भी authenticity से बात को बोला जाता है उसके बारे में properly पहले study किया जाता है, उसके बाद ही उसके ऊपर लिखा जाता है, अदरवाइज नहीं लिखा जाता। अदरवाइज ऐसे कोई क्लेम नहीं कर सकता कि ऐसा है, मतलब आप कह रहे हैं अमोनिया फ्री है या हाइड्रोजन परऑक्साइड फ्री है या डैमेज फ्री है, तो उसके सर्टिफिकेशन से। राइट, इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज ऑलरेडी टेस्टेड इन द लेबोरेटरी। डॉक्टर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि बालों का लिपिड या सीबम होता क्या है और ये कैसे डैमेज हो जाता है? बालों का सीबम इज अ शाइन यू सी इन योर हेयर, जो आपके बाल चमकते हैं
वो किस वजह से चमकते हैं। अच्छा। वो जो नेचुरल ऑयल सिक्रीशन जो हम बोलते हैं, जो हम अपनी स्किन पे फील करते हैं, सेम वैसे ही हमारे हेयर्स में भी सिक्रीशन होता है। और क्योंकि उसमें पोर्सेज होते हैं और आपके जो स्कैल्प है उसमें भी पोर्सेज होते हैं, फॉलिकल्स जिसमें से निकालते हैं, तो उसमें से सीबम सिक्रेट होता है जो कि पूरे बालों में जब हम कंघी करते हैं कुछ करते हैं पूरे बालों में फैल जाता है, जिससे कि आपके बालों पे शाइन आता है। और जब आप कोई अमोनिया वाला हेयर कलर लगाते हैं तो वो उस सीबम को ख़त्म कर देता है, मतलब उसके साथ वॉश आउट होकर निकल जाता है। इसी के लिए बाल ड्राई हो जाते हैं। वो क्यूटिकल जो होता है हमारे बालों, उसके अंदर हेयर होता है, बाहर एक लेयर होती है जिसे क्यूटिकल बोलते हैं, जिसको वो वॉश आउट करके डिस्ट्रॉय कर देता है और उससे जो आपका ऑयल या सीबम है वो वॉश आउट हो जाता है बालों से। राइट डॉक्टर, ऐसा भी होता है कि ये जो बड़ी बड़ी कलर की कंपनीज हैं वो कुछ बातें हमसे छुपा जाती हैं? सबके राज होते हैं, सबके सीक्रेट्स होते हैं जी। कभी कभी वो कोई बातें सीधी सीधे लिख देते हैं, कभी कभी वो नहीं लिखना चाहते तो उसका जिक्र ही नहीं करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो मतलब आपको बॉक्स जब आप लोगे कोई भी हेयर कलर का लोगे तो वो कभी ये मेंशन नहीं करेगा, आप जैसे आपने कोई बॉक्स उठाया उसके ऊपर मेंशन नहीं होगा कि इसमें अमोनिया, उसके अंदर मेंशन नहीं होगा कि इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड है। हाँ हो सकता है इंग्रेडिएंट में वो लिखे, लेकिन इंग्रेडिएंट हर कोई पढ़ता नहीं है, मतलब फ्रंट में कहीं वो ऐसे मेंशन नहीं करेगा अपने बॉक्स के ऊपर। तो इस तरह से वार्न नहीं करेगा उस हिसाब से कि बी केयरफुल कि इसमें अमोनिया है, आपको मतलब चाहे हेयर कलरिंग के लिए उस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है, आपने लाइटन करने हैं हेयर या नहीं करने, इट डजंट हैव एनी कंसर्न, लेकिन आप उसको यूज़ कर रहे होते हैं। राइट, जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद के जाते हैं ना, तो वो बारीक से टर्म्स एंड कंडीशंस, यार एब्सोल्युटली राइट, वो बहुत बारीक बारीक लिखा जाता है। कई बार तो आई साइट से डायरेक्ट आपको नजर भी नहीं आएगा लिखा हुआ, कोई पढ़ेगा भी नहीं, कौन पढ़ता है। कभी मैंने जिंदगी में नहीं सोचा कि हेयर कलरिंग की में भी इतनी बारीकियां हो सकती हैं, हर चीज में बारीकियां होती हैं। थैंक यू सो मच फॉर एजुकेटिंग अस डॉक्टर, इट वाज वेरी इन्फॉर्मेटिव। और अब वक्त है अनाउंस करने का कि हमारे पिछले एपिसोड के कॉन्टेस्ट के विनर्स कौन से हैं। तो हमारे 10 लकी विनर्स हैं। कंग्रेचुलेशंस, आप सबको मिलता है इंडस वैली की तरफ से Amazon गिफ्ट वाउचर वर्थ ₹3000। और हमारे आज के कॉन्टेस्ट का सवाल है कि अमोनिया बाल के नेचुरल सीबम को क्या करता है, व्हाट डज अमोनिया डू टू हेयर्स नेचुरल सीबम। आप अपने जवाब कमेंट्स में लिख सकते हैं और 10 लकी विनर्स को मिलेगा इंडस वैली की तरफ से Amazon गिफ्ट वाउचर वर्थ ₹3000। तो बस इस तरह से डिस्कशंस करते रहिए, रिसर्च करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि केमिकल हेयर कलर से कैसे हो सकती हैं एलर्जीज। तब तक स्टे ब्यूटिफुल, स्टे नेचुरल।